को, किसने का? मंगल पांडे, वो 1857 वाली क्रांति वाला है मंगल पांडे। जय जगत ये किसने कहा? विनोबा भावे ने, बहुत फेमस नारा है जय जगत, किसने कहा? विनोबा भावे ने। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कर मत दो। श्रद्धानंद जी ने भी ये नारा दिया था कर मत दो, वो श्रद्धानंद दिल्ली वाले, लेकिन इसको बारदोली की महिलाओं के उसमें गए थे सरदार पटेल, बारदोली की महिला नहीं, सरदार की उपाधि किसने दी है इनको? वल्लभ भाई पटेल को। बारदोली की महिलाओं ने, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा था तो गांधी जी ने भेजा इनको कि जाओ महिलाओं की मदद करो, तो इन्होंने मदद की, तो महिलाओं ने इनको क्या कहा? सरदार। और महिलाओं से इन्होंने क्या कहा कि तुम कर मत देना, हम तुम्हारी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है? जयप्रकाश नारायण का। संपूर्ण क्रांति का नारा किसका है? जयप्रकाश नारायण। अच्छा ये गीत किसने लिखा है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व, ये गीत है श्यामलाल गुप्ता पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम का नारा किसका है? बंकिम चंद चटर्जी जी। और ये बंकिम चंद चटर्जी ने वंदे मातरम किस वाली किताब में लिखा था? आनंद मठ में, ये भी ध्यान रखना। आनंद मठ किसकी किताब है? ये किसानों के आंदोलन को दर्शाती है आनंद मठ, और आनंद मठ में ही ये स्लोगन है, कौन सा? वंदे मातरम, जिसको राष्ट्रीय गीत भी तो है हमारा ये। और राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। अच्छा जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान तो है, लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? गांधी जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? और गुरुदेव, महात्मा गांधी ने गुरुदेव को क्या कहा? गांधी जी को महात्मा कहा। महात्मा की उपाधि किसने दी थी करमचंद गांधी जी को? मोहनदास करमचंद गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अच्छा साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह ने कहा था। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? अच्छा सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, ये तो अभी अभी हमने बताया, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, ये किसने कहा था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। अच्छा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। अच्छा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला स्लोगन है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। अभी इसमें स्टोरी आएगी, लाला लाजपत राय ने लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या कहा था? साइमन कमीशन वापस जाओ। 1927 में बनेगा, फिर 1928 में आएगा, तब इसका जगह जगह विरोध होगा। बॉम्बे में महात्मा गांधी करेंगे और लाहौर में लाला लाजपत राय करेंगे, और फिर ये मारे जाएंगे लाठी से जब घायल होंगे, फिर इनका बदला लेने के लिए गांधी जी उस भगत सिंह वगैरह सैंडर्स को मारने जाएंगे, वो भी घटना आएगी। हु लिव्ज इफ इंडिया डाइज, ये किसने कहा? हु लिव्ज, कौन जिंदा रहेगा इफ इंडिया डाइज, अगर इंडिया ही मरता है तो फिर जिंदा कौन रहेगा? ये कौन किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। किसने कहा? इनकी एक बहुत फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी एक बहुत बड़ी फेमस बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इज द मोस्ट पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड। उसमें इन्होंने कहा कि हु लिव्ज इफ इंडिया डाइज, कौन जिंदा रहता है अगर, कौन भाई बचेगा जब इंडिया ही मर जाएगा, भारत देश नहीं होगा तो हम लोग कहाँ होंगे? तो ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा एक बहुत प्यारी लाइन है जो अक्सर आती है और तुम लोग समझ जाओगे अभी उसकी घटना भी, उसने ये किसने कहा? मेरे सिर पर लाठी का एक 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 प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे, ये लाइन किसकी है? मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मुसलमान मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जिन्होंने देने से मना कर दिया। ये लाइन किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ये आती है, ये किसका है? भगत सिंह का। क्रांति की धार, क्रांति की तलवार में धार जो है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये किसका है? भगत सिंह का है। ठीक है, तो ये कुछ स्लोगन थे, अब वहीं लौटते हैं। फिर क्या हुआ,
ये लोग जो बनाए गए, फिर इनमें फांसी हुई, फिर क्या था, इन्होंने जब ये लोग रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन, इनको जब फांसी हो गई तो सितंबर 1928 में एचएसआरए की स्थापना की चंद्रशेखर आजाद ने दोबारा से। अब इसमें जो एक स्थान बढ़ रहा है ना एस, एचआरए का मतलब है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और इसमें जो एस बढ़ रहा है इसका मतलब है सोशलिस्ट। तुमसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना की किसने, वो सचिंद्रनाथ सन्याल, अगर एच एस आर ए तो इसकी स्थापना हुई थी कानपुर में और इसकी स्थापना दिल्ली में हुई। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब ये तो कुछ क्रांतिकारी घटनाएं हुई, अब इधर आ जाते हैं। इधर क्या हुआ कि जब साइमन कमीशन 1927 में आया बना, सॉरी आया 1928 में। अच्छा, साइमन कमीशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये, अच्छा एक बात ये भी है, साइमन कमीशन क्या था, देखो जब 1919 में ये जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग, तो बड़ा उपद्रव हुआ, जगह जगह हड़ताल हुई, तो ब्रिटेन की संसद ने एक आयोग भेजा जांच करने के लिए, देखो कैसा प्रशासनी सुधार है कि नहीं है, प्रशासन वाले ज़्यादा दखलंदाजी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, तो प्रशासन का हाल चाल लेने के लिए कमीशन आया था। और इसके जो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर साइमन थे, साइमन कमीशन के जो इस आयोग के जो वो थे अध्यक्ष जो थे, जो इसके आयोग थे वो क्या थे, साइमन, सर साइमन थे, तो इसी इस आयोग के अध्यक्ष जो थे, तो इसीलिए इसको साइमन कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन आया कहाँ से, लंदन से, और बम्बई में यहाँ उतरो, गांधी जी ने कहो कि तुम हमारे देश के लिए प्रशासन के यहाँ जनिबे के लिए अगर आए हो तो हमारे देश के लिए कोई लोगन के यहाँ शामिल कर ले हो। वो मैं जितने अधिकारी रहते वो सब कहाँ आते, अंग्रेज रहते। तो तुमसे पूछा जाएगा कि गांधी जी ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, क्योंकि उसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था। तो गांधी जी ने जब कौन की शामिल कर ले, तब साइमन ने रे मना कर दो, तो गांधी जी तुरंत ही कहने लगे गो बैक, क्या कहने लगे गो बैक, वापस जाओ, तुम्हारो कहाँ काम बता, तुम लोग कहाँ जाना, अंग्रेज आओ, हम जनियत गरीबी के रहो हाल। तो फिर क्या हुआ है, तो फिर इन्होंने वापस दिए, तो बंबई में विद्रोह किसने किया, गांधी जी ने। फिर जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ वहाँ इसका क्या हुआ, विद्रोह हुआ। लाहौर में इसका विद्रोह लाला लाजपत राय ने किया, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया, उनकी हत्या हो गई, और जो अधिकारी उनको पीटा था सांडर्स ने, किसने है, और लाला लाजपत राय भगत सिंह से बहुत प्यार करते थे, हैं लाला लाजपत राय की जब हत्या हो गई तो गांधी सर भगत सिंह ने कहा कि हम इसको अधिकारी को जरूर डालेंगे। तो फिर इन लोगों ने मिलके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु, इन तीनों ने मिलके, तीनों हमारे वीर सपूतों ने सांडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। कौन तारीख का यहाँ, 30 अक्टूबर, निपटाए दो इनका, जा रहा है। फिर क्या हुआ, इनको फिर पकड़ा गया, लेकिन इसमें ये भाग गए थे, इसमें नहीं ये मिले थे सांडर्स की हत्या में। इन्होंने एक वो किया था, क्या किया था, इन्होंने महात्मा, इन्होंने क्या बोलते हैं, भगत सिंह ने जो है 8 अप्रैल को 1929 में बम फेंका था, किसमें, केंद्रीय विधानमंडल लाहौर में, कहाँ बम फेंका, काहे के मारे भारत वालन के लिए आवाज़ कोई सुनते नहीं रहा है, तब इन्हें बम फेंको। और सरदार भगत सिंह कहते थे कि बहरे लोगों को शोर से ही जगाना चाहिए, अब बम फेंका, ये लोग भागे नहीं। अब इनके साथ में एक और व्यक्ति था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, अब तुरंत इन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी, क्या दे दी, गिरफ्तारी भी दे दी है, और फिर वहीं ये पकड़े गए। तो फिर इनकी, और उसी उपलक्ष में जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी हो गई थी, कब, 23 मार्च 1931 को, ये याद रखना, 23 मार्च 1931 को किसको फांसी तीन लोगों को हुई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। ठीक है, यही देखो बताया, साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार के लिए आया था, 1927 में इसका गठन हुआ, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसका विरोध किया गया और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और लॉर्ड इरविन के द्वारा ये बनाया गया था, लॉर्ड इरविन ने पठाया था कि इसका जाँच केवल बनाइए, जांच करवाइए इस भारत देश में प्रशासनिक सुधार की, तो उसमें कोई भारतीय नहीं था। तो फिर क्या हुआ, फिर इसका विरोध हुआ, और इसकी जांच का है कि करने आया था, ये 1919 का जो एक्ट था, कौन वाला, रोलेक्ट एक्ट, जिसे काला का, उसी की जांच करने के लिए आया था। और फिर जब ये लौट गया, लाला लाजपत राय मारे गए, फिर सांडर्स भी मारा गया, तब अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसा है, ये मार काट से अच्छा है कि थोड़ी बातचीत कर ली जाए, क्या कर ली जाए, बातचीत कर ली जाए। तो
जब यहाँ से लौट के गया वो साइमन, तो उसने वहाँ की सरकार को बताया कि लड़ाई अड़ाई करने से अच्छा है कि उन लोगों से विचार विमर्श किया जाए। तो ये साइमन कमीशन ने ही रिपोर्ट दी क्या कि विचार विमर्श किया जाए, उनको बुलाओ यहाँ विचार विमर्श करो। उसी के बाद में ये गोलमेल सम्मेलन हुए। क्या हुए? गोलमेल सम्मेलन क्यों कहे जाते हैं? गोलमेल सम्मेलन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो लोग बैठते थे वहाँ वो गोल बेंच पड़ी हुई थी ऐसे गोल गोल, और उसके आसपास सब लोग बैठते थे, तो इसीलिए गोलमेल। तो वहाँ ब्रिटेन के संसद में कहने लगे भाई उनको बुलाओ, अंग्रेज जो लोग भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाओ, देखें उनकी क्या समझता है, कहा है दिनों दिन झगड़ा बढ़ रहा है, तो तुम लोग जो है इतना ही रखिएगा कि 1930 में, ठीक है, ये उसने साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। फिर इधर गांधी जी ने भी मीटिंग की, कहाँ मीटिंग की, साबरमती आश्रम में एक बैठक की। उन्होंने कहा कि ऐसा है अब अंग्रेज सही नहीं आएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ एक कोई बड़ा आंदोलन किया जाए। तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। तब सब आदमी कहने लगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन एको मुखिया कौन हुई, तो मुखिया सब कहने लगे तुम्हें बन जाओ। तो गांधी जी कहने लगे ठीक है, गांधी जी बन गए मुखिया, तो अध्यक्ष कौन बना इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन लाने के लिए दायित्व किसको, महात्मा गांधी को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है कि हम तुम्हारी भी कोई आज्ञा नहीं मानेंगे। अंग्रेजों ने जब ये बात कह दी तो अंग्रेजों ने नमक पर बहुत कर लगाई, दो नमक पर कान लगे, तुम नमक तो खइबे करी आओ और नमक ले आओ जरूर, अब तो कर लगाई दो कि नमक सिरे सब घर को राजस्व आई जाए। तो गांधी जी ने कहा करो कान लगे नमक हम तुम्हारो खइबे ना करी, वो हम अपनों खुद ही नमक बनाई ली वो। तो गांधी जी ने करीन कहा डांडी मार्च, अब कब से शुरुआत करीन 12 मार्च 1930 से रे। तुमसे ये पूछो जाइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने क्या करके की, तो तुम बताना नमक कानून तोड़कर। क्या बताओगे? नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और नमक कानून तोड़ो कहाँ गो, गांधी जी ने कौन कि हम न कर दी वो कानून, अपने आप खुद ही बनाई ली वो नमक। तो कहाँ शुरुआत भाई 12 मार्च से रे शुरू भाई, और कब कि 24 दिन की यात्रा भाई, कितने दिन, यानी 6 अप्रैल तक चली यात्रा, या अपने साबरमती आश्रम से शुरू करें और डांडी वही गुजरात के जो घाट पर पश्चिमी घाट पे है तो वहीं तक हुई। तो कितने दिन ये यात्रा हुई, 24 दिन। कितने लोग इनके संगम चले, 78 लोग। कितने लोग, अगर तुमसे पूछा ही अनुयायी कितने थे, 78। कुल टोटल कितने थे, 80। टोटल कितने थे, एक तो स्वयं गांधी जी थे और एक पत्रकार रहा है अमेरिका के, जो इको नाम रहा है वेब मिलर। क्या नाम था, वेब मिलर था। तो तुमसे पूछा जाएगा डांडी मार्च के दौरान कितने लोगों ने यात्रा की, तो 80 लोगों ने टोटल, और अनुयायी कितने रहा है, 78, और एक पत्रकार रहा है वेब मिलर, और एक तो स्वयं रहा है। अच्छा, गांधी जी ने यहीं पर कहा था, गांधी जी ने यहीं पर कहा था कि सख्त के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। जब ये शुरू किया था डांडी मार्च, तब गांधी जी ने कहा था कि सख्त